मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। मुंब्रा पुलिस के डिटेक्शन ब्रांच के अजीत बड़े, हवलदार पीसे नावडे, पाटिल यादव राजपूत, फुलवान भोसले वाघमारे, इन सभी ने परिमंडल एक सुभाष बुरसे, एसीपी रमेश धुमाल और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर करके मार्गदर्शन में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंब्रा के किस्मत कॉलोनी के पास रात में नाकेबंदी कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से तलाशी के दौरान 15,75,000 नकली नोट बरामद की गई है। 2,000 रुपए के नकली नोट के ये 6 बंडल हैं। एक तरफ जहां चुनाव नजदीक है तो वहीं दूसरी तरफ मुंब्रा शहर में नकली नोट वो भी इतने बड़े पैमाने पर बरामद होना ये भी अपने आप में एक गंभीर मुद्दा है। फिलहाल मुंब्रा पुलिस ने जिन 3 आरोपियों को पकड़ा है उनमें से 2 आरोपी उत्तर प्रदेश के जौनपुर के नगीना के रहने वाले हैं, जिनका नाम जौन कुमार छुन्नू लाल, उम्र 41 वर्ष है। दूसरे आरोपी का नाम मोहम्मद दिलशाद सराजुद्दीन, उम्र 26 वर्ष है। तो वहीं तीसरा आरोपी वो भी मुंब्रा का ही रहने वाला है, जिसका नाम जावेद अहमद शरीफ अहमद अंसारी है, जिसकी उम्र 30 वर्ष है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि ये नकली नोट पश्चिम बंगाल के आसनसोल से लाए हैं। आरोपियों ने बताया कि 3,50,000 रुपए आसनसोल के मैत्रिक को असली नोट देकर 15,75,000 रुपए नकली नोट लिए थे, मगर अब ये तीनों आरोपी मुंब्रा पुलिस को मिली गुप्त जानकारी पर पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया है। इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी गई। कुछ लोग जो है वो फेक करेंसी लेके मुंब्रा में आ रहे हैं। वो इंफॉर्मेशन के बिना पे हमने किस्मत कॉलोनी के नजदीक नाकाबंदी लगाया। रात में 3 लोग सोशल वहाँ से गुजर रहे तो उनको चेक किया तो उनके पास में करीबन 15,76,000 की फेक करेंसी जब्त हुई। सभी 2,000 के नोट थे और टोटल नोट 788 नोट उनके पास से सीज हुए। उनमें 3 आरोपी के नाम ऐसे हैं, जौन कुमार छन्नूलाल, दूसरा मोहम्मद दिलशाद सराजुद्दीन और तीसरा जावेद अहमद शरीफ अहमद अंसारी। फिलहाल आरोपियों को 5 अप्रैल तक पीसी मिली है। साथ ही पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भी पुलिस की टीम भेजी जाएगी जांच के लिए, मगर वहीं मुंब्रा पुलिस ने कार्रवाई कर नकली नोट जिस तरह से बरामद की है ये मुंब्रा पुलिस के लिए एक बड़ी ही सफलता मानी जा रही है। इस पूरे मामले में आगे की जाँच मुंब्रा पुलिस के PI अरुण क्षीरसागर कर रहे हैं। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।